हेलो दोस्तों दोस्तों नॉलेज विदाउट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रखा हुआ है। ये वायरस चाइना से निकला और आज की डेट में 200 से ज्यादा देशों में इसने अपना आतंक मचा के रखा हुआ है। दोस्तों भारत समेत कई देश आज की डेट में लॉकडाउन है, लेकिन चीन में हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। चीन अपने मकसद में आखिरकार कामयाब हो ही गया, और वो मकसद क्या था आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों चीन ने धोखा देकर आर्थिक विश्व विजय हासिल कर ली है। उसने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई और तब तक अपने फ्रीजों में रखी जब तक पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को पाताल में नहीं उतार दिया। चीन पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का हब बन गया था। चीन ने अपने वुहान शहर में इस वायरस को छोड़ा और जबरदस्त मौतों के कारण भागते इन्वेस्टर्स के शेयरों को कोड़ी के भाव खरीद लिए और विदेशी निवेशक और उद्यमी अपनी पूंजी को छोड़कर भाग गए। चीन ने अपने द्वारा पहले से ही बनाई और छुपा कर रखी गई वैक्सीन को बाहर निकाल लिया और एक ही दिन में चीन में हो रही मौतों को रोक दिया। इस युद्ध में चीन ने अपने कुछ लोग तो खोए पर पूरी दुनिया की दौलत लूट ली। आज वहां एक भी मौत नहीं हुई है और ना ही एक भी मरीज की संख्या बढ़ी है। आज ये वायरस पूरी दुनिया में काल की तरह चक्कर लगा रहा है। कमाल ये भी है देखिए कि उन सभी देशों और शहरों की कमर टूट गई है जहां पर चीनी नागरिक खर्च करते थे। आज पूरा विश्व हर रोज अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होते देख रहा है, पर 17 मार्च से चीन की अर्थव्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती रही है। ये एक आर्थिक युद्ध है जिसमें चीन जीत चुका है और विश्व कुदरत से युद्ध करते करते रोज अपने जान माल को खवा रहा है। ये भारत के लोगों का इम्यून है कि वह हर संकट में कुशल योद्धा की तरह लड़ता रहा है और जीतता है। हमारे देश के अधिकांश नागरिक इकोनॉमी के आंकड़ों में नहीं फंसते, पत्थर में से पानी निकालने की कुव्वत रखते हैं। हम भारतीय बड़े से बड़े रोग को रोटी के टुकड़े में लपेटकर खाने और पचाने में माहिर हैं। हम कभी कुदरत के विरुद्ध युद्ध नहीं करते बल्कि उनकी पूजा करते हैं। हम भारतीय मंदिरों गुरुद्वारों से आवाज दे देकर बुलाते हैं ईश्वर को, रिझाते हैं, अतः वो ईश्वर हमारा अनिष्ट कर ही नहीं सकता। पर हम भारतीयों को यह याद रखना चाहिए कि चीन और चीनी इस कुदरत के खलनायक हैं। इनसे हर प्रकार की दूरी बनाए रखें। दोस्तों वुहान से शंघाई 839 किलोमीटर, वुहान से बीजिंग 1152 किलोमीटर, वुहान से मिलान 15,000 किलोमीटर, वुहान से न्यूयॉर्क 15,000 किलोमीटर। लेकिन पास के बीजिंग शंघाई में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन इटली ईरान यूरोप देशों में लोगों की मृत्यु और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद। चीन के सभी व्यापारिक क्षेत्र सुरक्षित, कुछ तो गड़बड़ है। अमेरिका ऐसे ही नहीं चीन को दोष दे रहा है। जहां पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है, वहीं चीन में वुहान के अलावा यह क्यों कहीं नहीं फैला? चीन की राजधानी आखिर इससे अछूती कैसे रह गई? प्रारंभिक अवस्था में चीन ने पूरी दुनिया से इस वायरस के बारे में क्यों छुपाया? कोरोना के प्रारंभिक सैंपल को क्यों नष्ट किया गया? इसे सामने लाने वाले डॉक्टर और पत्रकार को खामोश क्यों किया गया? पत्रकार को तो गायब ही कर दिया गया। दुनिया के अन्य देशों ने जब सूचना साझा करने को कहा तो उसने सूचना साझा क्यों नहीं किया, मना क्यों किया? कोरोना मानव से मानव में फैलता है, इसे छुपाने के लिए WHO के कम्युनिस्ट निदेशक का उपयोग क्यों किया गया? WHO के निदेशक जनवरी में बीजिंग में क्या कर रहे थे? प्लान फिक्स कर रहे थे क्या? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए कोई गाइडलाइन जारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह मानव से मानव में फैलता नहीं है, ऐसा ट्वीट 11 जनवरी तक WHO करता रहा क्यों? आज साबित हो गया है कि कोरोना मानव से मानव में फैलता है, तो फिर WHO ने झूठ क्यों बोला? वुहान से एक साथ 50 लाख लोगों को बिना मेडिकल जांच किए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्यों भेजा गया? इटली में 6 फरवरी तक मामूली केस था। एकाएक चीनी, हम चीनी हैं वायरस नहीं, हमें गले लगाइए, प्लेकार्ड के साथ दुनिया के पर्यटन स्थल सिटी ऑफ लव के नाम से मशहूर इटली के लोगों को गले लगाने क्यों पहुंचे? पूरी दुनिया आज चीन और WHO को संदेह की नजर से देख रही है, और ताज्जुब देखिए कि एक ही दिन चीन और WHO दोनों भारत की तारीफ में उतर आए। क्या ये महज संयोग है? और इसके अगले ही दिन भारत में चीन के राजदूत
ट्वीट कर उम्मीद करते हैं कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी पैरवी करे। आखिर क्यों? नेहरू की एक गलती का खामियाजा हम भुगत चुके हैं, यह मोदी सरकार है, और उम्मीद है कि वह कम से कम यह गलती तो नहीं दोहराएगी। दोस्तों, सार्क से लेकर G20 तक की बैठक पीएम मोदी के कहने पर हो रही है। संकट के इस समय में भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा है। इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका तक जब कोरोना से निपटने में असफल हो रहे हैं, तो पीएम मोदी की पहल पर भारत इससे कहीं बेहतर तरीके से डील कर रहा है। चीन इसी का फायदा उठाकर यह चाहता है कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके अछूतपन को दूर करे। अब यह नहीं होगा, चीन संदेह के घेरे में है और रहेगा। दुनिया पर हावी होने के लिए चीन ने एक पूरी तरीके से रणनीति बनाई है। अब सबसे पहले तो एक वायरस और उसकी दवाई बनाई, फिर वायरस फैलाया और अपनी दक्षता का प्रदर्शन करते हुए रातों रात अस्पतालों का निर्माण करवा लिया। आखिरकार वे पहले से ही तैयार थे। परियोजनाओं के साथ साथ उपकरण का आदेश देना, श्रम, पानी और सीवेज नेटवर्क को किराए पर लेना, पूर्व निर्मित निर्माण सामग्री और एक प्रभावशाली मात्रा में स्टॉक, यह सब उस रणनीति का हिस्सा था। परिणाम स्वरूप दुनिया में वायरस के साथ साथ अराजकता फैलने लगी, खास करके यूरोप में। दर्जनों देशों की अर्थव्यवस्था त्वरित रूप से प्रभावित हुई, अन्य देशों के कारखानों में उत्पादन लाइनें बंद हो गई, फलस्वरूप शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। चीन ने अपने देश में महामारी को जल्दी से नियंत्रित कर लिया, रातों रात वुहान से कोरोना के नए मरीज मिलना बंद ही हो गए। यह कैसे संभव है जबकि इटली जैसा देश इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है? आखिरकार चीन पहले से ही तैयार था। परिणाम स्वरूप उन वस्तुओं की कीमत कम हो गई जिनसे वह बड़े पैमाने पर तेल आदि खरीदता है। फिर चीन तुरंत ही उत्पादन करने लगा, वापस से जुट गया, जबकि दुनिया एक ठहराव पर है। जहां एक और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं चीन ने अपनी फैक्ट्रियों में काम करवाना शुरू कर दिया है। चीन उन चीजों को खरीदने लगा जिनकी कीमत में भारी गिरावट हो गई थी और उनको बेचने लगा जिनकी कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब यदि विश्वास ना हो रहा हो तो 1999 में चीनी उपनिवेशों की आओ लियांग और वोंग जियांग सुई के द्वारा लिखी हुई पुस्तक अप्रतिबंधित युद्ध अमेरिका को नष्ट करने के लिए चीन का मास्टर प्लान को पढ़ लें, ये सब तथ्य वहां मौजूद हैं। जरा इस बारे में सोचिए, कैसे रूस और उत्तर कोरिया COVID-19 यानी कोरोना से पूरी तरह से मुक्त है, क्योंकि वे चीन के कट्टर सहयोगी हैं। इन दो देशों से एक भी मामले की सूचना नहीं मिली। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन और एशिया गंभीर रूप से प्रभावित है, क्योंकि ये सब चीन के प्रतिस्पर्धी हैं। अब सवाल ये है कि कैसे हुआ वुहान अचानक से इस घातक वायरस से मुक्त? चीन ये कहेगा कि उनके प्रारंभिक उपाय बहुत कठोर थे और वुहान को अन्य क्षेत्रों में फैलाने के लिए बंद यानी कि लॉकडाउन कर दिया गया था। परंतु ये जवाब बड़ा ही मजाकिया है। ऐसा होता तो बाकी के देशों में भी यह इतना नहीं फैलता और एक शहर तक ही सीमित रहता। यह 100% सत्य है कि ये वायरस के एंटीडोड का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, बीजिंग में कोई क्यों नहीं मारा गया, केवल वुहान ही क्यों? दिलचस्प विचार है ये। खैर, अब वुहान अब व्यापार के लिए खुल गया है। अमेरिका और उपर्युक्त सभी देश आर्थिक रूप से तबाह हैं। जल्द ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीन की योजना के अनुसार ढह जाएगी। चीन जानता है कि वह अमेरिका को सैन्य रूप से हरा नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में इस हिसाब से अमेरिका विश्व में सबसे ताकतवर देश है। तो ये है चीन का विश्व विजय फार्मूला, कि वायरस का उपयोग करें दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षमताओं को पंगु बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये था धोखेबाज चीन का सच। दोस्तों, चीन की फैलाई इस महामारी का एक ही इलाज है, और वो है खुद की सुरक्षा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जब तक आप घर पर रहेंगे, आपको कुछ नहीं हो सकता। आप घर रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, साफ रहिए, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए कुछ दिन। दोस्तों, इस महामारी से निपटने का एक ही रास्ता है, अपने घर पर रहें। आप जब तक घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।